हेलो एवरीवन, मैं हूँ शेफ प्रतीक एंड वेलकम टू माय किचन। तो आज मैं आपके लिए काफ़ी ही आसान और काफ़ी टेस्टी दाल मखनी की रेसिपी लाया हूँ। तो इस रेसिपी को सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दाल मखनी बनाने के लिए पहले हम ले लेंगे एक कप उड़द की दाल। अब हम इसे एक बर्तन में डाल देंगे और फिर हम इसे पानी से अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। हमें इसमें पानी डालकर हाथों से अच्छी तरह से रगड़ लेना है। इसमें थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन हमें इसे तब तक रगड़ना है जब तक इसका काला रंग निकल ना जाए। इसे रगड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि उड़द ने रंग किस तरह से छोड़ा है। अब हम इसका पानी गिरा देंगे और पानी गिराने के बाद हम इसमें दोबारा से 2 कप पानी डाल देंगे। और पानी डालने के बाद हमें उड़द को 7 से 8 घंटे के लिए भिगा के रखना है। और उड़द के साथ साथ हम भिगा देंगे राजमा। राजमा हमने 1/4 कप लिया है और राजमा को भी हम 7 से 8 घंटे के लिए भिगा देंगे। मैंने ऑलरेडी राजमा भिगा के रखा था और हमने यहाँ लाल वाला राजमा यूज़ किया है। आप कोई भी राजमा का यूज़ कर सकते हैं। 7 से 8 घंटे हो चुके हैं और दोनों अच्छी तरह से फूल चुका है। अब हम दोनों का एक्स्ट्रा पानी गिरा देंगे और इन्हें कुकर में उबाल देंगे। आप देख सकते हैं इसे भिगाने के बाद इसका रंग काला से हरा हो गया है। और अब हम राजमा भी डाल देंगे। उड़द दाल और राजमा डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे 3 कप पानी। और 3 कप पानी डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे नमक 1 छोटा चम्मच और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर तीखा नहीं होता, पर इससे रंग काफ़ी ही अच्छा आता है। तो अब हम इसे डालकर इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसका ढक्कन लगा देंगे और 5 सीटी का इंतज़ार करेंगे। और हमें गैस को तेज़ आंच पे ही रखना है, यानी हाई फ्लेम। और जैसे इसमें 5 सीटी आ जाती है, हम इसका गैस बंद कर देंगे। और गैस बंद करने के बाद हमें इसे तुरंत नहीं खोलना है, पहले हमें इसे थोड़ा देर ठंडा होने देना है। और जब तक कुकर ठंडा हो रहा है, तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो हम ले लेंगे एक कढ़ाई, जिसमें हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच तेल। हमने यहाँ नॉर्मल ऑयल का ही यूज़ किया है। अब हम तेल डाल देंगे और तेल के साथ ही साथ हमें डाल देना है 1 बड़ा चम्मच बटर। और बटर डालकर हम गैस को मीडियम फ्लेम पर ऑन कर देंगे। दाल मखनी में तो सिर्फ बटर ही जाता है, लेकिन हम तेल भी इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारा बटर जले नहीं। फिर हम तेल और बटर को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। और जैसे ही तेल बटर गर्म हो जाए, हम इसमें डाल देंगे 1 प्याज। प्याज को हमें मिक्सी में पीसकर इस तरह से पेस्ट बना लेना है। अब हम इसे गर्म तेल में डाल देंगे और साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे 1/2 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हमें अदरक लहसुन के पेस्ट और प्याज को अच्छी तरह से पका लेना है। हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक अदरक लहसुन का पेस्ट हल्का हल्का कढ़ाई से नीचे चिपकने ना लग जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट पकने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी और 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। हल्दी और लाल मिर्च डालने के बाद हम गैस को कम कर देंगे और इसे भी थोड़ा सा पका लेंगे। और जैसे ही हल्दी और लाल मिर्च पक जाता है, हम इसमें डाल देंगे टमाटर। हमने टमाटर 3 लिया है और टमाटर को हम मिक्सी में पीसकर उसका प्यूरे बना लेंगे। और टमाटर डालने के बाद हम गैस को मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। पहले टमाटर को हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच नमक। नमक डालने से टमाटर फटाफट पक जाएंगे। नमक को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और नमक मिलाने के बाद हमें टमाटर को पका लेना है। हम टमाटर को तब तक पकाएंगे जब तक तेल ऊपर ना आ जाए। तो टमाटर अच्छी तरह से पक चुका है, अब हम इसे एक बार हल्का सा चला लेंगे। और इसे चलाने के बाद हम कुकर वाला उड़द दाल और राजमा चेक कर लेंगे। तो काफ़ी अच्छी तरह से पक चुका है दाल और राजमा। और कुकर में जो थोड़ा बहुत पानी बचा है, हमें उसे फेंकना नहीं है, क्योंकि हमें उसका यूज़ आखिर में आने वाला है। अब हमने जितना दाल और राजमा उबाला था, हम उसमें से 1/2 निकाल कर कढ़ाई में डाल देंगे। हम जो 1/2 दाल और राजमा कढ़ाई में डाल रहे हैं, हमें उसे डालकर अच्छी तरह से मैश कर लेना है। इसे मैश करने से आपके दाल मखनी का गाढ़ापन काफ़ी ही अच्छा बनेगा। तो हमने इसे अच्छी तरह से मैश कर दिया है।
अब हम इसमें डाल देंगे आधा बड़ा चम्मच गरम मसाला। और गरम मसाला डालने के बाद हम इसे हल्का सा मिक्स कर देंगे। और गरम मसाला मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे एक कप पानी। हम वही पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं जो दाल और राजमा उबालने के बाद बचा था, तो हम उसका एक कप पानी डाल देंगे। और पानी डालने के बाद हमें गैस को मीडियम फ्लेम पे कर देना है। और गैस को मीडियम फ्लेम पे करके हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसमें एक बार उबाल आने देंगे। और जैसे ही उबाल आ जाता है हम इसमें बचे हुए दाल और राजमा भी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। और दाल मिलाने के बाद हम इसमें डाल देंगे डेढ़ कप पानी। पानी हम थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि दाल मखनी ठंडा होने के बाद काफ़ी ही ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। फिर पानी डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी हम एक छोटा चम्मच डाल देंगे। और कसूरी मेथी को हम हाथों से इस तरह मसल के डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और इसे मिक्स करने के बाद हम गैस के फ्लेम को एकदम कम कर देंगे। और गैस के फ्लेम को एकदम कम करके हमें 10 मिनट के लिए पका लेना है। 10 मिनट बाद हम दाल को चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा। हमें बिल्कुल इसी तरह की दाल मखनी बनाना है। और अगर आपको नमक कम लगता है तो आप ऊपर से नमक मिला सकते हैं। तो मैंने अपने स्वाद के अनुसार नमक मिला लिया है। अब हम इसे मिक्स कर देंगे और मिक्स करके हम गैस को बंद कर देंगे। और गैस बंद करने के बाद हम इसका तड़का बना लेंगे। तड़का बनाने के लिए हमने ले लिया एक पैन, जिसमें हम डाल देंगे एक बड़ा चम्मच तेल और एक से डेढ़ बड़ा चम्मच बटर। या फिर आप बटर को अपने ज़रूरत अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तेल और बटर हो चुका है गरम। अब हम इसमें डाल देंगे एक बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन और साथ ही साथ हम डाल देंगे दो हरी मिर्च जिसे हमने इस तरह से काट लिया है। अब हम इन्हें तब तक पकाएंगे जब तक लहसुन का कलर हल्का सा ब्राउन ना हो जाए या फिर लहसुन का रंग हल्का सा बदल ना जाए। तो लहसुन का कलर बदल चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे। और गैस बंद करने के बाद हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद हम इसे फटाफट मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसे दाल मखनी में डाल देंगे। और दाल मखनी में डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे क्रीम बटर और धनिया से गार्निशिंग कर देंगे। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप हमेशा ऐसी ही टेस्टी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।